हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया स्टिच सिखा रही हूँ जिसका नाम है शेडो वर्क। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें शेडो दिखती है, स्टिच की शेडो दिखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब आप वर्क करोगे तो उसके नीचे की जो शेडो है वो दिखती है। अगर शेडो दिखती है तो दैट मीन्स इसको बनाने के लिए हमें कोई वायल का या फिर ऑर्गेंडी का कपड़ा चाहिए। तो ज़्यादातर ये जो शेडो वर्क है वो ट्रांसपेरेंट कपड़े पे होता है। इसके लिए आप टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए चंदेरी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए ऑर्गेंडी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए मलमल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शेडो इफ़ेक्ट इन्हीं कपड़ों पर दिखाई देता है। जो थिक ग्रेन वाले कपड़े होते हैं उनमें शेडो दिखाई नहीं देता। तो इसको बनाने का तरीका तो मैं आज सिखाऊंगी ही, और साथ साथ आपको इसको ये भी बताऊंगी कि पत्तियाँ, फूल और राउंड और कर्व्स कैसे इसके साथ फील किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगी वो मैं ये वाला इलॉन्गेटेड सी पत्ती बनानी सिखाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि इसको कैसे फिल करना है। शेडो वर्क में एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो नीचे वाला थ्रेड लेना है वो बिल्कुल कम डिस्टेंस पे आपने उसको ले जाना है, क्योंकि वो भी पीछे से दिखता है। तो इसलिए आप ऐसी जगह से स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे कि आपका जो बैक डिस्टेंस है थ्रेड का वो कम से कम हो। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूँगी आपको समझ आया है कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो पत्ती है इसके बिल्कुल कॉर्नर नीचे नहीं, आपने सुई को निकालना एक साइड, किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, यहाँ पे आपने नीडल को निकालना। ये सॉर्ट ऑफ बैक स्टिच है जो दोनों तरफ से वर्क होता है। राइट साइड से इसको करने के लिए आपने ये जो आपने धागा निकालना है उसके बाद आपने बैक जाना है यहाँ, और फिर लाइन के दूसरी तरफ सुई को निकालना है। छोटा सा स्टिच लेते हुए लाइन के दूसरी तरफ सुई को निकालना है, आगे निकालना है और फिर दोबारा से हमने बैक जाना है यहाँ पे। ठीक है, बैक जाके अब जो पहली वाली साइड थी उसके थोड़ा सा आगे जाना है। बैक स्टिच है, इसको बैक पे लेना है, इधर भी आपने दूसरी साइड पे सुई को निकालना है और फिर आपने ये बैक की तरफ ऐसे यहाँ से अंदर डालना है और इधर से आगे की तरफ बाहर निकालना है। बैक स्टिच तो हम स्ट्रेट करते हैं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट, इसको दो लाइनों के बीच में बैक स्टिच वर्क करते हैं। तो अपने आप ये पीछे जिगजैग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आपने यहाँ से बैक डालना है सुई को और फिर इसके स्टिच के थोड़े से आगे निकालना है, फिर इधर से बैक लेना है स्टिच, फिर इधर से बैक स्टिच लेना है। और इसके मोटिफ हमेशा राउंड पत्तियां, इलॉन्गेटेड पत्तियां, या फिर कोई भी कर्व आपने फिल करना है, या दो लाइन के बीच में भी इसको वर्क करते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो कैसे वर्क करते हैं। बस आपने बैक पे जाना है और बनाते चले जाना। अब मैं एक पत्ती बनाई, अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। तो नेक्स्ट पे मैं इसको, क्योंकि मेरा धागा यहाँ खत्म हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लाऊंगी, बहुत लंबा इफेक्ट आ जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से धागे को यहाँ लाऊंगी तो ये पूरा दिखेगा। तो इसको अगर मैंने यहाँ पे लाना है, अब जितना कम डिस्टेंस पे ये जाएगा उतना अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ से लाऊंगी तो ऐसे टेढ़ा सा दिखे, और यहाँ से बिल्कुल साथ में निकाल लूंगी। ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल चोंच पे, नीचे वाले चोंच पे नहीं आपने निकालनी सुई, थोड़ा सा एक किसी भी लाइन पे थोड़ा सा आगे करके सुई को निकालना है। फिर हमने बैक स्टिच बनाना है। ये देखो, मैं बैक पे आई और अब दूसरी साइड पे मैंने आगे को स्टिच ले लिया।
जब आप देखोगे और साथ साथ वर्क करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। दोनों साइड पे आपने थोड़ा थोड़ा आगे जाना है और बैक स्टिच लेते जाना है ऐसे। इस तरीके से एक बारी एक लाइन के एक तरफ आना है, दूसरी बारी दूसरी तरफ जाना है। और जितना बारीक आप इसको फिल करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो आपको थोड़ा देखने में देखिए, ये बैक साइड पे ऐसे जिगजैग फिश बोन की तरह स्टिच आता है। अब मैंने ये वाली पत्ती बनानी है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना पास ले सकूं। अगर थोड़ी दूर है आपका डिस्टेंस, ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, तो आप सुई पे एक हल्का सा स्टिच भी ले सकते हैं मोटिफ के पास कहीं, कि दूसरी साइड में जाने के लिए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको सुई को निकालूंगी इस तरह ऐसे। अब फिर मैं बैक स्टिच आऊंगी। आप सोचिए कि मैं बैक स्टिच कर रही हूँ, एक लाइन पे नहीं, दो लाइंस पे वर्क कर रही हूँ, इस तरफ और दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। अब फिर बैक जाऊंगी यहाँ पे और फिर इस तरफ बैक, आगे को सुई लूंगी और फिर बैक जाऊंगी, फिर इस तरफ आगे को सुई लूंगी। बस ये ऐसे ही ये बनता है। के लोग इसको बैक साइड से भी बनाते हैं फिश बोन स्टिच की तरह, वो भी ठीक है, लेकिन असली इसका जो मेथड है बनाने का वो यही है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि राइट हैंड साइड पे गांठे ना आए, नॉट्स ना लगें, है ना। तो इसमें हमें अपना फिनिशिंग वे पता चल जाता है कि हमने कैसे फ्रंट साइड को फिनिश करना है। एक बारी एक तरफ से, दूसरी बारी दूसरी तरफ से, और ऐसे इसको टकिंग करके बंद कर। अब मैंने ये पत्ती भी इसी कलर की बनानी है, लेकिन यहाँ से यहाँ धागा नहीं ले जाऊंगी, वो बैक से सारा दिखेगा। तो पहले मैं इसको फिनिश करूंगी, इसको नॉट लगा के इसको यहीं पे ख़त्म करूंगी और फिर मैं वो सेकंड बनाऊंगी। ओके, अब देखिए मैंने ये तो बना लिया। अब इसके बाद मैं इसको ग्रीन कलर फिल करूंगी। ये पत्तियां भी सेम है, इसको भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैक जाके आपने इसको आगे वर्क करना है इस तरीके से। बस यही ध्यान रखना है कि दोनों लाइंस को वर्क करना है आपने। एक बारी एक तरफ बैक में जाना है, दूसरी बार दूसरी तरफ। ऑटोमेटिकली पीछे मच्छी टांका, जिसको आप बोलते हैं, फिश वॉन स्टिच बनता चला जाए। वही इफेक्ट जो है, वो शेडो जो है, वही फ्रंट में दिखती है और ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देती है। ज़्यादातर ये काम जो है वो समर के क्लॉथ्स में किया जाता है। वो बड़े पेस्टल शेड्स में अगर आप करते हो तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। आप इसके बीच में सीक्वेंस वर्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पेटल बनाई है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सीक्वेंस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। जब आप रेड का काम कर रहे हो तो रेड सीक्वेंस के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये और भी उभर के, सुंदर उभर के आता है। तो ये वाली शेप पत्ती की तो आपको ऑलमोस्ट भरने आई गई है कि ये कैसे भरी जाती है। अब मैं आपको इसकी और डिफरेंट शेप्स कैसे फिल की जाती हैं वो भी सिखाऊंगी। ओके, अब देखिए, जैसे कि ये राउंड शेप है, ये राउंड है, तो इसको राउंड को कैसे फिल करना है, सेम मेथड है, सिर्फ आपने दोनों तरफ से वर्क करना है।
आपने कहीं से भी, जैसे मैंने ये सुई को निकाल लिया धागे को यहाँ से, अब जाना आपने बैक है, फ्रंट पे नहीं जाना, बैक पे जाएंगे, छोटा सा स्टिच लेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे इस तरीके से, ऐसे, फिर बैक आएंगे, फिर दूसरी साइड में आगे को सुई निकाल लेंगे, ऐसे। जो भी लाइन पे आपने वर्क करना है, आपने बैक स्टिच से वर्क करना है, और ये दो लाइनों के बीच में ही वर्क होता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड आपने जब करना है तो बिल्कुल वहीं से निकालना है, यहाँ पे आपने बंद किया है। अब हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो हम ऐसे ही इस पे भी लेंगे, कहीं पे भी सुई निकाल लेंगे और बैक पे आएंगे, ऐसे बैक पे आएंगे और इस तरफ जाएंगे। क्योंकि दो लाइंस के बीच में वर्क होना है, इसलिए आपने दोनों तरफ इसको सुई को निकालना है और स्टिचेस बैक पे लेने। ऐसे इसको अपने राउंड को पूरा फिल कर लेना, गो राउंड बना लेना, और उसके बाद आप इसके बीच में एक एक सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये देखो कैसे शेडो इफेक्ट दे रहा है ना, ये देखिए। और जब हम इसको पिंक कलर के कपड़े के ऊपर रखेंगे तो और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। अभी तो ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसके नीचे अगर हम लाइनिंग लगाएंगे या वो कपड़ा रखेंगे तो और भी उभर के ये मोटिफ सामने आएगा। तो मैं आगे आपको ये वाली पत्ती बनाना सिखाऊंगी, ये थोड़ी कर्व्ड है। ओके, ये कर्व्ड पेटल कैसे बनाई जाती है, इस ये मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन तो ये वाली है नीचे वाली, और एक ऊपर वाली लाइन है, इसका घेरा चाहता है, ये डायमीटर में थोड़ा कम है, तो हमने स्पेस वाइज नीचे वाले जो स्टिचेज हैं वो थोड़े छोटे लेने हैं, और जो ऊपर वाले स्टिचेज हैं वो थोड़े बड़े लेने हैं, तब ये पूरा पूरा फिल होएगा। अगर हम दोनों बराबर लेंगे तो वो, जैसे कि ये देख ही रहे हैं आप, ये मैंने बनाया है, इसमें नीचे वाले स्टिचेस थोड़े छोटे हैं और बाहर वाले स्टिचेस थोड़े बड़े हैं, तभी ये इफेक्ट दिखाई देता है, ये वाला शेडो। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करते हैं इसको। मैं नीचे वाले स्टिचेस थोड़े छोटे लूंगी और बाहर वाले स्टिचेस थोड़े बड़े। ताकि वो एक ही पॉइंट पे सब फिनिश हो। मैं नीचे कोशिश करूंगी कि सारे स्टिचेस जो हैं वो थोड़े छोटे हों। मेरे को दोनों को बराबर मिलाना है, इसलिए मैंने ये स्टिचेस जो है वो थोड़े छोटे लिए और ऊपर वाले कर्व के स्टिचेस थोड़े बड़े लिए। तो ये राउंड बन के तैयार हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये जो दो लाइंस के बीच में इस स्टिच को कैसे वर्क करते हैं ये आपको सिखाऊंगी। ये भी बहुत ईजी है, लखनवी कढ़ाई में इसको बहुत यूज है। दो लाइंस के बीच में इसको ऐसे वर्क करते हैं कि इफेक्ट दिखाई देता है मलमल में, और बीच में आप सीक्वेंस लगा सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस तभी लगाना जब आपको किसी को चीज को हाईलाइट करना है, अदरवाइज इसका खुद का शेडो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, बस आपने बैक जाना है और अगली दूसरी लाइन में थोड़ा सा फ्रंट पे जाना है, फिर बैक, स्टिचेस का आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंदर वाला कर्व है वो थोड़ा छोटा है, बाहर वाला कर्व थोड़ा सा बड़ा है, तो आप अंदर वाली साइड पे छोटे स्टिचेस लेंगे और बाहर वाली साइड पे थोड़े बड़े।
देखिए ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसको कैसे हम ये बोले जो शेडो वर्क है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जैसे मैंने एक राउंड मैट बनाई हुई है, इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगा ली है, तो इसमें देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसको मैंने सीक्वेंस भी लगा रखे हैं, ये देखो सेंटर में बड़े वाला और ये मैंने छोटे छोटे सीक्वेंस के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसे हम अपने मैट्स बना सकते हैं, कोई भी आप बेड साइड पे रखने के लिए, बेड टेबल्स पे रखने के लिए या फिर ड्रेसिंग टेबल के लिए। ये देखिए इसको मैंने सीक्वेंस नहीं लगाए। जब हम इसको नीचे वही कलर लगाते हैं ना क्लॉथ का, तो इफ़ेक्ट और भी उभर के आता है। अब आपको शेडोज़ बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। और इसके अलावा अब अपने ऑर्गेंडी की शर्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये सेंट्रल पैनल बना हुआ है शर्ट का, तो ये भी शेडो वर्क से ही किया हुआ है सारा काम, साथ में सीक्वेंस के साथ मोटिफ को हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा ये देखिए ये शर्ट बनाई है, इसका पूरा नेक इसी तरीके से बनाया गया है, शेडो वर्क और सीक्वेंस वर्क के कॉम्बिनेशन से। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे शेडो वर्क को, और मुझे बताएंगे कि आपको ये वर्क करना कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ नया क्रिएट करें शेडो वर्क से तो प्लीज़ मुझे भी अपनी फोटोग्राफ सेंड करें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज सुषमा क्राफ्ट एंड क्रिएशन को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।